नेक्स्ट टेम्परेचर मेजरिंग ट्रांसड्यूसर है थर्मिस्टर, जो कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है और ये टेम्परेचर को मेजर करती है। थर्मिस्टर दो वर्ड से मिलकर के बना है, थर्मल प्लस रजिस्टर। थर्मिस्टर रजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर है, इसलिए ये रजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर के प्रिंसिपल पे ही वर्क करेगा, मतलब कि चेंज इन रजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। नेक्स्ट, अगर हम थर्मिस्टर के टेम्परेचर कोफिशियंट की बात करें तो थर्मिस्टर में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट का मतलब होता है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस को इनक्रीज किया जाएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, अगर रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया जाएगा तो टेम्परेचर इनक्रीज करेगा। एज सिंपल एज दैट। तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में ये रिलेशनशिप थर्मिस्टर में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट को शो करता है। नेक्स्ट, थर्मिस्टर के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक फार्मूला गिवन है जिसमें RT इक्वल टू आर नॉट ई की पावर बीटा इंटू 1/T माइनस का 1/T0। अब इसके फार्मूले में हमें ये ई या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो थर्मिस्टर होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, इसलिए हमें इसके फार्मूले में एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर RT क्या है, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस है टी केल्विन पर ओम्स में, एंड आर नॉट क्या है, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस है टी नॉट केल्विन पर ओम्स में। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। फिर जो रेजिस्टेंस में वेरिएशन होने से जो टेम्परेचर में चेंजमेंट आएगा उसे थर्मिस्टर के हेल्प से मेज़र किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप को ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है जिसमें एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ड्रॉ किया गया है एंड वाई एक्सिस पर रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया गया है। अब अगर हम टेम्परेचर को इनक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज़ करेगा। तो देखिए, रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ ड्रा होकर के आएगा जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है और रेजिस्टेंस लाइकवाइज डिक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे दो पॉइंट्स ड्रा किए जाएं तो एक पॉइंट ये है जिसमें टेम्परेचर और कुछ रेजिस्टेंस है और एक पॉइंट ये है जिसका कुछ टेम्परेचर है और कुछ रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए ये मिनिमम रेजिस्टेंस है और इस तरीके से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा अगर, तो टेम्परेचर देखिए डिक्रीज़ कर जा रहा है इस पॉइंट पे। तो जिस तरीके से हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज़ करेगा ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ द थर्मिस्टर। नेक्स्ट, अगर हम ये बात करें कि थर्मिस्टर को किन किन मटेरियल्स का यूज़ करके बनाया जा सकता है, तो थर्मिस्टर को कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, निकिल और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज़ करके बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम थर्मिस्टर के टाइप्स को डिस्कस करें तो थर्मिस्टर को जिन शेप्स में बनाया जाता है उन्हीं के अकॉर्डिंग इनका नाम रख दिया जाता है। तो थर्मिस्टर को बीड्स की शेप में और डिस्क की शेप में बनाया जाता है। तो यहाँ पर दो तरीके के थर्मिस्टर दिखाए गए हैं, एक ये बीड जिसको मोती के शेप का बनाया गया है इसलिए इसका नाम बीड थर्मिस्टर रखा गया है। नेक्स्ट टाइप है रॉड थर्मिस्टर, जो कि डिस्क टाइप थर्मिस्टर का ही एक टाइप है जिसमें बहुत सारे डिस्क उसको एक साथ कंबाइंड करके एक थर्मिस्टर डिज़ाइन किया गया है जिसका नाम रॉड थर्मिस्टर रखा गया है। और एक सिंगल डिस्क का यूज़ करके एक थर्मिस्टर डिज़ाइन किया जा सकता है जिसका नाम डिस्क थर्मिस्टर रखा जा सकता है। अब अगर हम थर्मिस्टर के सिंबल की बात करें तो थर्मिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट, अगर हम थर्मिस्टर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करें तो थर्मिस्टर के मेरिट्स ये हैं कि जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, लेस कॉस्टली होते हैं और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव तो होंगे ही। एंड जो नेक्स्ट है वो ये है कि जो इसमें कंडीशनिंग सर्किट्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो ये इनके मेरिट्स हैं। अब अगर हम थर्मिस्टर के डीमेरिट्स की बात करते हैं तो थर्मिस्टर का जो डीमेरिट है वो क्या है कि जो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। एंड नेक्स्ट है कि थर्मिस्टर्स को हाई टेम्परेचर्स के लिए, मतलब वेरी हाई टेम्परेचर्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो ये थर्मिस्टर्स के डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट, अगर थर्मिस्टर के एप्लीकेशंस की बात की जाए तो थर्मिस्टर्स के एप्लीकेशंस हैं कि इनको थर्मल कंडक्टिविटी मेज़र करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, हाई फ्रिक्वेंसी पर पावर को मेज़र करने के लिए थर्मिस्टर्स का यूज़ किया जा सकता है, अगर टाइम डिले क्रिएट करना है तो थर्मिस्टर का यूज़ करें, फ्लो एंड टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मिस्टर का यूज़ कर सकते हैं,
इनरस करंट को लिमिट करने के लिए या फिर उनको ओवरकम करने के लिए थर्मिस्टर का यूज़ किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थर्मिस्टर्स के एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट थर्मिस्टर के केस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थर्मिस्टर में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, लेकिन कुछ थर्मिस्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। तो थर्मिस्टर के केस में इनके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट दोनों ही हो सकते हैं।